नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। बॉलीवुड के फेमस और उम्दा कलाकार राजकुमार राव अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों का दिल जीत लेते हैं और इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म श्रीकांत को लेकर काफी चर्चा में है। ये फिल्म एक मशहूर बिजनेसमैन श्रीकांत बोल्ला की बायोपिक है, जिसमें राजकुमार राव इस बिजनेसमैन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को टी सीरीज द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि राजकुमार राव के इस वक्त चर्चा में आने की वजह उनकी ये फिल्म नहीं बल्कि उनके लुक्स हैं। जी हाँ, हाल ही में राजकुमार राव जब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे तो इस दौरान एक्टर का लुक देखकर लोग हैरान हो गए। दरअसल दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के वायरल हो रही तस्वीरों में राजकुमार राव का लुक काफी बदला सा दिख रहा है। वह इस लुक में बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में लोग दावा कर रहे हैं कि एक्टर ने चिन सर्जरी करवाई है। इतना ही नहीं, कई यूजर्स तो राजकुमार राव के इस लुक को देखकर उनकी तुलना ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म आई थी फाइटर, उसके विलन ऋषभ साहनी से भी कर रहे हैं। फिलहाल राजकुमार राव की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजकुमार की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि राजकुमार राव जल्द ही श्रीकांत बोल्ला की बायोपिक श्रीकांत में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों की तरफ से खूब प्यार मिला है। वहीं इस फिल्म में उनके साथ अदाकारा ज्योतिका मुख्य भूमिका में दिखेंगी। ज्योतिका हाल ही में अजय देवगन की सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर शैतान में नजर आई थी। इसके अलावा आलिया एफ और शरद केलकर जैसे कलाकार भी श्रीकांत में अपनी अदाकारी का हुनर दिखाते हुए दिख जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।